नमस्कार। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम की तू मैं एक रक्त इस फेसबुक लाइव व्याख्यान माला में आज तक हमने कल्याण आश्रम के विविध प्रकल्प एवं आयामों के बारे में जानकारी ली है। इस ईश्वरीय कार्य को गत 7 दशकों से आगे बढ़ाने में कई समर्पित कार्यकर्ताओं का योगदान रह चुका है। ऐसे ही एक कार्यकर्ता स्वर्गीय श्रीधरन जी, इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। इस विषय पर हमें श्री राम नारायण जी राव यह मार्गदर्शन करेंगे। श्री राम नारायण जी हैदराबाद के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सीनियर मैनेजर इस पद से सेवानिवृत्त हैं। आप गत 40 वर्षों से कल्याण आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं और स्वर्गीय श्रीधरन जी के साथ आपने काफ़ी समय तक काम किया हुआ था। सेवानिवृत्ति के पश्चात आप तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश इन दो प्रांतों के प्रकल्प प्रमुख ऐसा दायित्व संभाल रहे हैं। इसके पश्चात एक वैयक्तिक गीत होगा और उसके बाद श्री रामनारायण जी हमें विषय से अवगत कराएंगे। जाग उठा है आज देश का बह सोया अभिमान, प्राची की चंचल किरणों पर आया स्वर्ण विहार। जाग उठा है आज देश वह सोया अभिमान, स्वर्ण प्रभात खिला घर घर में, जागे सोए वीर युद्ध स्थल में सज्जित होकर बढ़े आज रणधीर। आज पुनः स्वीकार किया है असुरों का आह्वान, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। सहकर अत्याचार युगों से स्वाभिमान फिर जागा, दूर हुआ अज्ञान पार्थ का धनुष बाण फिर जागा। पांचजन्य ने आज सुनाया संस्कृति का जयगान, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। जाग उठी है वानर सेना, जाग उठा वनवासी, चला उदधि को आज बांधने ईश्वर का विश्वासी। दानव की लंका फर फिर से होता है अभियान, जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। खुला शंभु का नेत्र आज फिर वह प्रलयंकर जागा, तांडव की वे लपटे जागी वह शिव शंकर जागा। ताल ताल पर होता जाता पापों का अवसान, जाग उठा है आज देश का
वह सोया अभिमान। ऊपर हिम से ढकी खड़ी है वे पर्वत मालाएं, सुलग रही है भीतर भीतर प्रलयंकर ज्वालाएं। उन लपटों में दिख रहा है भारत का उत्थान। जाग उठा है आज देश का वह सोया अभिमान। आज हम कल्याणाश्रम का पूर्व अखिल भारतीय मंत्री ज्येष्ठ प्रचारक स्वर्गीय श्रीधर जी के बारे में कुछ बात प्रयत्न रखने के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। श्रीधर जी सन 13 मार्च 1940 आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिला भुवनगिरी तालुका भूदान पोचमपल्ली में पैदा हुआ। संत विनोबा भावा वहां से ही उनका भूदान यज्ञ प्रारंभ किया। श्रीधर जी का पिता श्री कोयेड़ा स्वामी गौड़ और माता लक्ष्मम्मा है। वो हमारा श्रीधर जी उनका आखिरी तीसरा पुत्र है। उनको दो भाई और दो बहने हैं। एक बार उनका माता पिता श्रीशैलम को गया, वहां श्रीशैल मल्लिकार्जुन से प्रार्थना की कि हमको एक पुत्र तीसरा पुत्र चाहिए। ऐसा भगवान के कृपा से श्रीधर जी का जन्म हुआ। इसका पहला नाम श्रीशैलम है। इसके बाद वो उनका नाम श्रीधर जी को चेंज किया गया है। वो घटकेश्वर में राजी समाज गुरुकुल में पढ़ाई की। श्रीधर जी का कुटुंब फैमिली आर्य समाज के प्रशंसक है। वो घटकेश्वर में पढ़ाई होने के बाद हैदराबाद में नल्लगुंटा में केशव मेमोरियल हाई स्कूल उसमें HSC PEC तक पढ़ाई की। इसके बाद हिंदी महाविद्यालय में BA कंप्लीट किया। श्रीधर जी को हिंदी को बहुत प्यार करते थे। वो हिंदी में ही हस्ताक्षर करते थे। वो लगातार कई किताब देश और धर्म के बारे में पढ़ते थे। उनका BA होने के बाद वो हैदराबाद में एक बस्ती में हेडमास्टर के नाते काम किया। वो आर्य समाज से प्रभावी है। 1962 चीन युद्ध के बाद इनका पूरा वेतन राष्ट्रीय रक्षा कोष में जमा कर श्रीधर जी हैदराबाद नल्लगुंटा की शंकर मठ के पीछे रहते थे। श्रीधर जी अपने मित्रों के द्वारा संघ को गया। तुरंत वो प्रथम वर्ष शिक्षण को गया। उसी समय पे वहां नल्लगुंटा एरिया का प्रचारक जी श्री सुरेंद्र रेड्डी जी उनके साथ श्रीधर जी संघ काम में डूब गया। उन्होंने 1964 में अपना तृतीय वर्ष प्रशिक्षण पूरा किया और प्रचारक बन गया। वे हमेशा सफेद धोती या पैजामा और खद्दर लालची पहनते थे। मुस्कुराते हुए चेहरा और मुस्कुराते हुए अभिवादन उनका आदत है। वे योगाभ्यास और निरंतर और नियमित से व्यायाम करते थे। उन्होंने लंबी समय तक करीमनगर जिले में प्रचारक के रूप में काम किया। उन्होंने करीमनगर जिले में संघ विस्तार के लिए ठोस नींव रखा और गांव-गांव में संघ को लेके गया। 1964 में एक बार पूज्य गुरु जी के साथ कार्यकर्ता बैठक हो रहा था, उसमें श्रीधर जी भी शामिल है। श्रीधर जी अपना परिचय देते ऐसा बताया,
नाम श्रीधर, संघ आयु 2 वर्ष, तृतीय वर्ष शिक्षित, प्रचारक। ये सुनने के बाद तुरंत पूज्य श्री गुरु जी ने, वाह तेरे नाम सारे देश में याद रखना है। श्रीधर जी जैसा कुछ लोगों को ही प्रथम वर्ष के संघ में शामिल होना और लगातार 2 वर्ष पूरा करके प्रचारक बनने का श्रेय दिया जाता है। वे हमेशा नया लोगों से संपर्क करते थे, स्वयं सेवकों के परिवारों के साथ आत्मीय संबंध रखते थे, स्वयं सेवकों के घरों में परिवारों के सदस्य के रूप में शामिल होते थे। उनके आशावाग्मिता और दरहास के कारण हर कोई उनके चुटकुलों पर मोहित होते थे। कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद स्फूर्ति केंद्र निर्माण के कार्य में सभी लोगों को शामिल करने के लिए ये बहुत प्रयत्न किया। इसी कारण करीमनगर जिले में हजारों लोगों का संपर्क किया। ये जिले में संघ कार्य विस्तार के लिए ये संपर्क बहुत योगदान दिया। श्रीधर जी ने अपने स्वभाव और विनम्रता और निरंतर मुलाकात के कारण करीमनगर जिले में कई प्रमुख लोगों को संघ में लाया। इसमें एक है स्वर्गीय मुदिगोंडा मल्लारेड्डी जी। मल्लारेड्डी जी तत्कालीन मल्याल ब्लॉक के अध्यक्ष थे और कांग्रेस समर्थक थे। वे संघ में आने के बाद प्रांत कार्यवाह का दायित्व निभाया। और एक है स्वर्गीय विद्यासागर राव जी। वो प्रचारक बने और भारतीय किसान संघ में अखिल भारतीय स्तर पर काम किया। श्रीधर जी हमेशा मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं के उत्साह और अनुशासन के साथ काम कराते थे। एक बार गुरु जी के साथ प्रांत बैठक हो रहा था। उस प्रांत बैठक में करीमनगर जिला कार्यवाह बताया, करीनगर से आया। वो सुनके गुरु जी करीनगर क्यों आया ऐसा पूछा। बाजू में बैठा हुआ तत्कालीन क्षेत्र प्रचारक यादवराव जी मजाक से कहा, क्योंकि उसकी जिला प्रचारक करी है, वो हाथी के समान है, नियमित योगाभ्यास और व्यायाम के कारण श्रीधर जी मजबूत दिखाई देते थे। ट्रेन सफर में भी वो सुबह रेलगाड़ी में कंबल रखे योगा करते थे। श्रीधर जी कम समय में हृदय में जगह बनाने का माहिर है। सबसे ज्यादा उत्साह और थके बिना काम में घूमते थे। उन्होंने जहां भी काम किया वहां संघ कार्य का विस्तार किया और गांव, नगर, जिला ये सब नामों कैसा आया, उनका नाम का पीछे कथा क्या है, वो सब जानने में वो उत्सुकत है। वो किसी को भी उनको कार्यकर्ताओं को और सबको उनको नाम से पुकारते और नाम से भी नमस्कार करके अभिवादन करते थे। उनका अधिक स्मृति है। श्रीधर जी बिना किसी डर या संकोच से नया लोगों से परिचित होते थे। एक दिन श्रीधर जी करीमनगर में एक होटल के सामने जा रहे थे। उस समय इनके सामने एक जर्मनी जोड़ी आ रहे थे। वो भारत को नया है इसलिए थोड़ा संकोच से इधर उधर देख रहे। श्रीधर जी उनके पास जाकर मुस्कुराते हुए नमस्कार करके उनका अपना परिचय दे दिया। तब वो जर्मन जोड़ी का बहुत आनंद हुआ। सड़क पर ही उनसे 20 मिनट तक बात करके इसके बाद तीनों लोग होटल में जाके नाश्ता करके चले गया। ऐसा श्रीधर जी नया लोगों से ऐसा परिचय करते थे। सिद्धांत और व्यवहार में कोई अंतर नहीं हो वो ऐसा साधन करता था। वह एक तपस्वी है। उन दिनों कहीं भी साइकिल पे जाते थे। एक बार श्रीधर जी एक ग्रामीण शाखा को गया। शाखा के अंत में एक गांव, ये दूसरे गांव के ओर से मोटे धुवे आ रहा है। वो देख के वो कतरे समझ के वह
तुरंत साइकिल पे वह गांव को चले गया। वहां जाने के बाद वो रात कार में गांव ग्रामीणों के साथ शामिल करके पार्टिसिपेट किया। इस कार्रवाई व लोगों पर गहरा असर पड़ा। आगे श्रीधर जी वरंगल विभाग प्रचारक बने। उसी समय निकटवर्ती विभाग इंदौर विभाग, इंदौर विभाग का प्रचारक है श्री बंडार दत्तात्रेय जी है। अभी बंडार दत्तात्रेय जी हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल है। माननीय यादवराज जी तभी का क्षेत्र प्रचारक, ये दोनों को हई रावण मई रावण कहते थे। दोनों ऐसा संघ का कार्य विस्तार में काम में ऐसा लगे हुए थे। श्रीधर जी अपने अंतरतम विचार व्यक्त करने में सक्षम थे, चाहे कुछ भी हो। अगर कोई उनका मजाक उड़ाते पर भी वे परवाह नहीं करते थे। 1964 में एक कार्यकर्ता का बहन का विवाह को जाना है, उनका बस मिस हो गया, इसीलिए वो 30 किलोमीटर पैदल पर चल के वहां शादी होने वाले गांव को गया। वहां थकान अनदेखे विवाह के आए हुए सभी रिश्तेदारों और कार्यकर्ताओं के साथ गपशप करते हुए प्रेरणादायक बात किया। इसे ऐसा समय बिताया। आज तक कार्यकर्ता के रिश्तेदारों श्रीधर जी को याद करते थे। आपातकाल में श्रीधर जी वेश बदल के विनोद नाम से वरंगल विभाग का काम संभाला। श्रीधर जी को मीसा के अंतर्गत गिरफ्तार होने के बाद उनको वरंगल सेंट्रल जेल में रखा गया। वहां कई दायित्व वाले प्रमुख लोग भी वैसी सेंट्रल जेल में है। कई महीने जेल में रहने के कारण कभी कभी वह प्रमुख कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के बीच में आगे हुए संघर्षों को समाधान करने के लिए और उन सब को मिलाकर रखने के लिए श्रीधर जी कड़ी मेहनत करते थे। संघ व्यवस्था पर उनका असीम सम्मान है। श्रीधर जी सभी समस्याओं का समाधान एक ही स्नेहशीलता, निर्मल हंसी, अपार प्रेम है। श्रीधर जी का किसी काम सौंपने पर भी वो तैयार है, वो करने के लिए उत्सुक है। 1977 आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिला दिवसीयमा में बड़ा उछाल आया, हजारों लोग मारे गए। संघ ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया। इसमें महत्वपूर्ण काम क्या है कि लाशों को सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करना, वो काम सरकार के लिए बहुत चुनौती बन गया। श्रीधर जी सरकार की योजना से पुलिस और अर्धसैनिक बलों से काम करना ऐसा सोचे थे, मगर वो इनकार करके ये काम हमारे से नहीं होता ऐसा वो बोले। इसके बाद गवर्नमेंट और एक प्रयत्न किया, सरकार कठोर अपराधियों के माध्यम से ये करने को प्रयत्न किया और विफल हो गया। संघ ने ये काम स्वीकार करके श्रीधर जी के नेतृत्व में शवसेना गठित करके राम नाम के साथ अंतिम संस्कार, राम नाम याद के साथ अंतिम संस्कार पूरा किया। लाशों की स्थिति ऐसा है कि दिन बीतने के कारण वे क्षित और बदबू आता था। उनका रिश्तेदार भी नजदीक आने के लिए डरते थे। उसी परिस्थिति में हमारा शवसेना ये काम पूरा किया। ये शवसेना का नेतृत्व हमारा श्रीधर जी किया। इसी समय पे पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी वह काम को समीक्षा करने के लिए आया। श्रीधर जी उनके पास जाके आपका युवा कांग्रेस कार्यकर्ता कहा है, यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा बताया, वैसा पूछा। वो सुनने के बाद वो हमारा श्रीधर इंदिरा गांधी जी अवाक हो गया। यही है श्रीधर जी का साहस और चमत्कार।
वहां कहां देखने पर भी निक्कर पहन के काम करने वाला स्वांग स्वाइन सब दिखाई देते थे। श्रीधर जी का नाम जैसा है वैसा है उनका जीवन। श्रीधर जी भगवान शक्ति धारण करने वाले, उनका जीवन सबके साथ सहज सरल और आत्मीय का जीवन है। इसी कारण से ही उनका कल्याण आश्रम का काम सौंप दिया होगा। वनवासी काम सौंप देने के बाद श्रीधर जी नल्लमला पहाड़ियों में चिंचू झोपड़िया, आदिलाबाद में गोंड गांव, भद्राचलम में कोया गांव और ईस्टर्न घाट्स में वनवासी गांव सब 6 महीने तक घूम के वहां सर्वे किया। इसके लास्ट में आखिरी में वो ईस्टर्न घाट्स ईस्टर्न पहाड़िया में विशाखा जिला पाडेरू के नजदीक 12 किलोमीटर दूर पे मठम गांव को चुनाया एक काम के लिए चुनाया। ये चुनाव ही इनका दूरदृष्टि का एक उदाहरण है। वास्तव में उसका सफलता ये चुनाव में मिल गया। मठम में बहने वाले मच्छगुंडम नदी को मच्छगुंडम बोलते हैं। उनका मच्छगुंडम में मछलियों को मच्छी देवता ऐसा मानते हैं वहां का वनवासी। नदी के तट में एक देवालय है, वो उसका मच्छलिंगेश्वर देवालय बोलते थे। पहले तो गांव वाले श्रीधर जी से बात करने में डरते थे और वहां बच्चे नजदीक नहीं आते थे। उसी समय पे श्रीधर जी चॉकलेट बिस्किट ऐसा बच्चों को वितरण करके और बच्चों के माध्यम से उनको परिवारों को संपर्क किया, धीरे धीरे संपर्क बढ़ाया। इसके बाद वहां बाल संस्कार केंद्र, भजन केंद्र, एक विद्याविहार पाठशाला को शुरू किया। बाल संस्कार केंद्र के माध्यम से संस्कार के लिए ठोस नींव रखी थी। रात में युवा पुरुष और महिला भजन और दिमसा करते थे। इसके साथ खेल भी होते थे। ये धीरे धीरे मठम में हर वनवासी घर श्रीधर जी का अपना घर बन गया। श्रीधर जी को मठम गांव वनवासी भगवान का पूजा केंद्र बन गया। पाडेरू का आसपास की वनवासी परिवारों के साथ श्रीधर जी का जीवन आत्मीय संबंध बन गया। बाला साहब देश पांडे जी एक बार मठम आया, वहां भजन प्रार्थना योगाभ्यास की प्रदर्शन हो गया। इसके बाद मच्छलिंगेश्वर मंदिर का दर्शन हो गया। उसके बाद बड़ी वनसभा हुआ था। इसमें इस कार्यक्रम में एक झंडा फहराया गया। झंडा में वन योद्धा गोची पहन के लक्ष्य पर तीर अपना धनुष और तीर को निशाना बन के लक्ष्य पर अपने धनुष और तीर को निशाना बन के उगता सूर्यज के बीच में खड़ा है। यानी वनवीर तेजस सूर्य तेजस धारण करके लक्ष्य को भेदते नजर आ रहे थे। यहां देख के देशपांडे जी को विचार में पड़ गए। अब तब तक अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम को कोई प्रतीक तय नहीं किया गया है। वास्तव में इस प्रतीक को पसंद करके बाद में इसी को ही कल्याण आश्रम का प्रतीक बना दिया। ये प्रतीक ये नया कल्याण आश्रम का प्रतीक श्रीधर जी के विचार से ये बना गया। उन्होंने अखिल भारतीय अधिकारियों को भी जनजातीय स्थिति अवगत कराते थे। हैदराबाद, करीमनगर, वरंगल उनका परिचितों को वनवासियों के बारे में वर्णन, उनका स्थिति और वर्णन करके आवश्यक कपड़े और सामान इकट्ठा करते थे। हैदराबाद में प्रचलित पुलारिटी मिठाई भी वनगांवों में वितरित करते थे। श्रीधर जी सप्ताहांत बाजारों को दसिया गांवों के आर्थिक सामाजिक मामलों का चौराह के रूप में वर्णन करते थे। वहां सबको मिलकर उनका प्रॉब्लम्स
उनका समस्या जानकर उनको मिलाने के लिए व्यवस्था करते थे। मठम मच्छलिंगेश्वर देवालय को जीर्णोद्धरण कराया। शिवरात्रि समारोह को भव्य रूप में भव्य पैमाने पर होने का बनाया। वे ये कई वर्षों तक मंदिर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रहे। कल्याण आश्रम का काम विस्तार किया और वनवासियों को प्रेरित करके राजभर सत्संग केंद्र, विद्या विहार पाठशाला, एकलव्य खेल केंद्र और चिकित्सा केंद्र शुरू किया। मटम गांव के लड़की शादी होने के बाद उनका ससुर का गांव चले जाने पर भजन केंद्र भी उनके साथ चले जाता था। ऐसा भजन केंद्र, बाल समाज केंद्र कई गांवों में विस्तार हुआ। श्रीधर जी का मार्गदर्शन में पाडेरू एरिया का वन देवता मोदा कोंडम्मा का भव्य मंदिर बनाया गया। मंदिर में हर साल दुर्गाष्टमी के दिन आश्रम के तत्वावधान से हजारों महिलाओं का सम्मेलन होता था, हो रहा है, अभी भी हो रहा है। रात भर भजन के साथ जागरण भी होता है। मटन गांव में वनयोगी बाला साहेब देशपांडे जी का सार्वजनिक रूप से अद्भुत सम्मानित किया गया। महिलाओं मंगल आरती के साथ आशीर्वचन दिया। पारंपरिक मठम सरपंच मठम राम नायडू का सारे रिश्तेदार और उसी समय का एमपी मच्छीराजू और उसी समय का एमएलए गिड्डी अप्पल नायडू, कई वनवासी प्रमुख वनवासी नेता और नजदीक गांवों से कई लोग उसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया है। मठम गांव वाले ये कार्यक्रम को अपना त्योहार जैसा मनाया। श्रीधर जी के सूचने पर विशाखापट्टनम नगर निगम, विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले भी पौर सम्मान अद्भुत रूप से किया। श्रीधर जी नए नए प्रयोग करते थे, ऐसा उसमें से एक है संक्रांति पर्व के गुजराती और मारवाड़ी लोग माल दान करने का आदत है। ये जानके श्रीधर जी ने यथाशक्ति दान पुण्य महान के नारे के साथ पाम्पलेट बना के वो लोगों को, गणमान्य लोगों को, वो समुदाय के गणमान्य लोगों को संपर्क किया। और दूसरा, मटंगाम में एक बार वर्षा नहीं होता था उस समय, उस गांव के शिव मंदिर में सभी गांव का लोगों के साथ सही ग्रामीण के द्वारा जलाभिषेक करवाया। इसके बाद एक धारा का तारा बारिश हुआ। 1989 में डॉक्टर हेडगेवार जन शताब्दी के कारण बहुत कार्यक्रम आयोजित किया गया सारे भारत में। इसी के अंतर में पाडेरू में मारथान प्रतियोगिता आयोजित किया। और दूसरा, श्रीधर जी के तत्वावधान में वनवासी कल्याण आश्रम, डॉक्टर हेडगेवार शत जयंती समिति, एपी एमएचयू एथलेटिक फाउंड एथलेटिक एसोसिएशन मिलकर डॉक्टर जी शत जयंती के अवसर पर हैदराबाद में बड़ा मैराथन आयोजित किया गया। वो मैराथन में करीब 10,000 लोग चार श्रेणी में भाग लिया। पूरा भारत में ऐसा कार्यक्रम यह एक ही है। वो कार्यक्रम के अंत में उपहार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के खान विभाग और बैंक अधिकारियों के परामर्श करके मठम में एक बजरी मिशन स्टोन क्रशर शुरू किया गया, ताकि आसपास के कई गांवों के लोगों को रोजगारी मिला। श्रीधर जी बड़े अधिकारियों के साथ भी निसंकोच बात करते थे। वह अधिकारियों की श्रीधर जी के प्रति बहुत सम्मान था। स्थानीय लोग श्रीधर जी को सबसे आत्मीय मान के उन्हें गुरुजी कहते थे। एक बार तत्कालीन गिरिजन संक्षेम शाखा मंत्री भीमराव जी पाडेर आया और पाडेरी का दौरे पे उन क्षेत्र में श्रीधर जी का गतिविधियों देखकर
कहा कि श्रीधर जी का नाम गुरी जी मान्य था। नक्सलियों सामने आने पर भी श्रीधर जी उनको नमस्कार करके उनसे नमस्कार पाने का क्षमता है। बाद में दक्षिण क्षेत्र संगठना मंत्री का दायित्व दिया गया। श्रीधर जी सोचते थे कि बड़ी बड़ी सम्मेलन में और कार्यक्रम में हमारा वनवासी बंधु भाग लेके सभी चीज समझना और जानना ऐसा करे तो अच्छा रहता, उनका इच्छा है। जहां संभव हो वो कार्यक्रम में उनको हमारा वनवासियों को भेजते थे। 1987 में तिरुपति में विश्व हिंदू परिषद का एक बड़ा सम्मेलन हुआ। उसी सम्मेलन में 48,000 पार्टिसिपेट किया। यहाँ पाडेरू इलाके से सैकड़ों वनवासी उसमें भाग लिया। ये सब श्रीधर जी का प्रयत्न से ही हुआ। हैदराबाद में हुआ अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम सम्मेलन को तत्कालीन आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री श्री एनटी रामाराव जी भाग लिया। वहां वनवासी लड़कियों का भजन और गीत सुन के वो मंत्रमुग्ध हो गया। श्रीधर जी एक बार बिना सुरक्षा ट्रेन में हैदराबाद से विशाखापट्टनम जा रहे थे। टीसी आरक्षण का टिकट पूछा। वो पूछने पर श्रीधर जी बताया, मैं जंगल में भटकता हूं, सामाजिक कार्यकर्ता, और अपना कार्य प्रचारक का जीवन के बारे में उनसे बताया। लास्ट में क्या बताया है कि सरकार मुझे मुफ्त में यात्रा प्रदान करना है, ऐसा बोला। ये सुनने के बाद टीसी प्रसन्न होकर अपना सीट श्रीधर जी को दे दिया। श्रीधर जी का व्यवहारिकता ऐसा रहता था। श्रीधर जी का व्यवहारिकता के कारण उच्च अधिकारी भी प्रभावित होते थे। श्रीधर जी एक बार बीमारी के कारण उस्मानिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। एक कार्यकर्ता उनको पहचान के उनसे पूछा, आप सरकारी हॉस्पिटल में क्यों आए हैं? आपको बहुत डॉक्टर मालूम है ना, संपर्क में है ना, आप किसी बड़ी अस्पताल में जाना था, ऐसा पूछा, ऐसा बोला। ये सुनकर श्रीधर जी ने उत्तर दिया, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, बड़ी नहीं हूँ। ऐसा हम सोच सकते हैं कि श्रीधर जी साधारण लगने वाले असाधारण व्यक्ति है। चूंकि जशपुर नगर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का केंद्र स्थान है, जन्म स्थान है, श्रीधर जी इसको एक शक्ति केंद्र बनाना चाहते थे। इसके कारण से श्रीधर जी कभी जशपुर आने समय पे भगवान की मूर्ति, कैलेंडर, कई प्रकार की चित्र और सामान लेके आते थे। श्रीधर जी अपने साथ भाग्यनगर में प्रचलित पुल्लारेड्डी मिठाई भी लाते थे। इसीलिए इसके कारण सभी कार्यकर्ता उनको इंतजार करते थे। जशपुर राज परिवार के साथ भी इनका दोस्ती थी। 1985 ऋषिकेश में हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद राजा दिलीप सिंह जुदेव जी के साथ पूरा ऋषिकेश दौरा किया। श्रीधर जी परिचितों के कारण 1988 मुंबई प्रथम खेलकूद प्रतियोगिता का व्यवस्था आसानी से हो गया। इन खेलों की सफलता श्रीधर जी का भूमिका महान है। इस सफलता में श्रीधर जी का भूमिका महान है। 1988 में संगठन मंत्रियों का प्रथम प्रशिक्षण वर्ग सूर्य निकेतन रांधा में हुआ। वो कार्यक्रम में श्रीधर जी को व्यवस्था विभाग सौंप दिया। उन्होंने इसे बहुत प्रभावी रूप से संभाला। श्रीधर जी का कलात्मकता और कला के प्रति जुनून के कारण उन्हें अखिल भारतीय लोक कला प्रमुख नियुक्त किया गया। श्रीधर जी अखिल भारतीय सम्मेलनों में रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगा। आज यह परंपरा बन गया है। श्रीधर जी कल्याण आश्रम का सही समझ और उनकी निष्ठा के कारण अखिल भारत सचिव नियुक्त किया गया। श्रीधर जी कागज पर लिखना बिना इतनी कार्यक्रम, इतना संगठन कैसा चलाया हमको समझ में नहीं आता। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता यही पूछने पर वो बताया, काम करने वाले हाथ
सोचने वाले दिमाग और संवेदनाशील हृदय है तो कभी किसी भी चीज आसानी से प्राप्त होता है, हो सकता है, ऐसा बोले। श्रीधर जी ने साधना करके वनवासी क्षेत्र में कार्य रूप का दर्शन करके सिद्धि प्राप्त की। आजीवन उत्साह पूर्वक काम करके सामाजिक क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित कर दिया। काम में कभी उदासीन नहीं। श्रीधर जी आंध्र प्रदेश के संघ के इतिहास में और भारत में कल्याण आश्रम के इतिहास में दिग्गजों से एक होंगे। निष्ठावान प्रचारक के रूप में जाना जाता है। श्रीधर जी को याद किया जाए तो मन में मुस्कुराते हुए खड़ी मूर्ति दिखाई देता है। 13 जनवरी 1998 को दिन को हैदराबाद में हृदयाघात हार्ट अटैक के कारण श्रीधर जी का निधन हो गया। उनका जीवन सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले कई लोगों को प्रेरणा स्रोत है। नमस्ते।